तो दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है रिजल्ट को लेकर। जो भी छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का बोर्ड परीक्षा 2021 में दिए हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं का बेसब्री से रिजल्ट को इंतजार है। फाइनली जो है बिहार बोर्ड ने रिजल्ट की घोषणा जो यहाँ पर कर दी है। जैसे मैं आप लोग को पता होंगे कि आज जो है इंटर की कॉपी की मूल्यांकन जो है समाप्त हो जाएगी, वैसे में यहाँ पर बिहार बोर्ड ने सुबह सुबह जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो यहाँ पर रिजल्ट की जो यहाँ पर घोषणा कर दी है, जो आप लोगों की जान लेना यहाँ पर काफ़ी बेहद ज़रूरी है। अब जो है आप लोगों की इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब जो है बिहार बोर्ड ने यहाँ पर जो है अभी अभी रिजल्ट की घोषणा जो यहाँ पर कर दी है, तो सारा जानकारी को जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी मैट्रिक इंटर का बोर्ड परीक्षा 2021 में दिए हैं तो आप लोगों के लिए एक खबर जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा। सारी खबर को जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो फाइनली जैसे मैं आप लोग को पता है कि मैट्रिक की कॉपी की मूल्यांकन जो है 12 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया है और इंटर की कॉपी की मूल्यांकन जो है यहाँ पर 5 मार्च से चल रही है। वैसे में यहाँ पर आज जो है यहाँ पर इंटर की कॉपी की मूल्यांकन जो है समाप्त हो जाएगी। वैसे में यहाँ पर रिजल्ट को लेकर यहाँ पर बिहार बोर्ड ने सुबह सुबह यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो यहाँ पर घोषणा कर दी है। जैसे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डॉटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, चाहे 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 में, और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों का पेपर क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिविजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, स्क्रीन पर चल रहे कोड को अप्लाई कीजिए धर्मेंद्र कुमार तो आप सभी को हमारे तरफ से 500 का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो स्टूडेंट देरी किस बात की, अभी जाओ एक कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर्स का फायदा उठाओ। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2021 मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा, जानिए इसका कारण क्या है, क्या वजह। यहाँ पर आप देखिए इसके पीछे राज क्या है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द जो यहाँ पर मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जो यहाँ पर घोषित होने जा रही है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटर की कॉपी की जाँच जो है आज समाप्त हो जाएगी। आज जो यहाँ पर 15 मार्च है, वैसे में यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की कॉपियों की जांच जो यहाँ पर 12 मार्च से पूरे बिहार में सफलतापूर्वक जो यहाँ पर शुरू करवा दी गई थी। आपको बताते चले कि आज मूल्यांकन का चौथा दिन है, यानी कि मैट्रिक की बात करें तो आज जो है यहाँ पर मूल्यांकन की चौथा दिन है। आज जो चौथा दिन जो यहाँ पर मैट्रिक की कॉपी की मूल्यांकन होगी। जैसे में आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 12 मार्च से जो यहाँ पर मैट्रिक की कॉपी की जाँच जो है शुरू कर दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं उससे पहले बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर वाले विद्यार्थियों का कॉपी का मूल्यांकन 5 मार्च से जो यहाँ पर शुरू करवाया गया था और अब इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 की कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में है। जैसे मैं आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो है इंटर की कॉपी की जाँच जो यहाँ पर अंतिम चरण में चल रही है, वैसे में यहाँ पर जो है आज जो यहाँ पर इंटर की कॉपी की जाँच जो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट जो है यहाँ पर किस दिन जो है यहाँ पर घोषित किया जा रहा है आप लोग ध्यानपूर्वक जो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो है वही बताते चले कि सभी छात्र एवं छात्राओं के मन में यह बात चल रही है कि इस बार बिहार बोर्ड रिजल्ट कब जारी करेगा और कैसा रहने वाला है 2021 का रिजल्ट। 2021 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 का परिणाम पिछले 4 साल यानी कि 4-5 साल पिछले 4-5 सालों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर जो है आप लोगों की 2021 की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है रहेंगे एवं यहाँ पर घोषित किए जाएंगे कि यहाँ पर बिहार बोर्ड ने साफ साफ जो यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि यहाँ पर जो है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 का परिणाम जो पिछले 4 सालों के मुकाबले काफ़ी बेहतर जो है रहने वाला है। यदि बात की जाए तो यहाँ पर 2020 की तो लगभग जो यहाँ पर इंटर वार्षिक परीक्षा 2020 का परिणाम जो है यहाँ पर 80
फीसदी जो है आया था। उम्मीद की जा रही है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का परिणाम जो यहाँ पर कितना 91% जो है यहाँ पर रिजल्ट आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। सभी छात्र एवं छात्राओं को मिलाकर 91% यहाँ पर रिजल्ट बिहार बोर्ड ने जारी करेंगे इंटर की। वही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 की कॉपियों का मूल्यांकन जो है यहाँ पर अंतिम चरण में है। लगभग पूरा कॉपियों का जांच जो है करवा लिया गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो आज जो है आप लोगों की इंटर की कॉपी की मूल्यांकन जो है समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट की तैयारी में जुट जाएगी। आने की जैसे यहाँ पर आज जो है यहाँ पर इंटर की कॉपी की मूल्यांकन समाप्त होगी, वैसे यहाँ पर जो है कल से आप लोगों की रिजल्ट तैयारी करने में, रिजल्ट को यहाँ पर अपलोड करने में बिहार बोर्ड की टीम जो यहाँ पर जुट जाएंगे। वैसे में यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर 30 मार्च से पहले इंटर का परिणाम जो है यहाँ पर घोषित किया जा सकता है। यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो है 24 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच जो यहाँ पर इंटर की परिणाम जो है घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है 24 मार्च को अगर यहाँ पर रिजल्ट को घोषित नहीं किया जाता है तो 24 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच जो है यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जो यहाँ पर इंटर की रिजल्ट को यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ जो है बताया गया है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा जो यहाँ पर अभी तक नहीं की गई है। जैसे में आप लोगों को पता है कि अभी जो यहाँ पर इंटर की कॉपी की मूल्यांकन चल रही है, वैसे में यहाँ पर बिहार बोर्ड द्वारा जो है यहाँ पर मैट्रिक इंटर का रिजल्ट को लेकर यहाँ पर ऑफिशियल डेट को अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। वैसे में यहाँ पर आप देख सकते कि यहाँ पर मैट्रिक कॉपियों की जांच जो है 12 मार्च से शुरू करवाई गई थी। आपको बता दें कि आज मूल्यांकन का चौथा दिन है, आने की जो है आज मूल्यांकन का जो चौथा दिन है। इससे पहले मैं बताया हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनी ओर से पूरा कोशिश कर रही है कि मैट्रिक की कॉपियों की जांच 24 मार्च तक संपन्न करवा ली जाए। यदि ऐसा हो पाता है तो मैट्रिक का परिणाम बिहार बोर्ड के द्वारा जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। 24 मार्च तक जो है यहाँ पर मैट्रिक की भी कॉपी किसी भी हर हाल में जो है यहाँ पर मूल्यांकन की काम जो है यहाँ पर समाप्त कर देनी है। जैसे यहाँ पर 24 मार्च को मैट्रिक की कॉपी की मूल्यांकन समाप्त होती है, वैसे जो है आप लोग को जो है अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल की फर्स्ट वीक में जो है 1 से लेकर 5 अप्रैल के अंदर जो है, यानी कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के अंदर जो यहाँ पर मैट्रिक का भी रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड द्वारा यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। अपना आधिकारिक वेबसाइट पर जो है आप लोग जाकर बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से जो है अपना परिणाम जो है देख सकते हैं। और रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट जो है मैट्रिक इंटर का पिछले 4-5 साल से जो है यहाँ पर बेहतर जो है 2021 का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है आने जा रहा है। तो यही जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो ये खबर निकल कर आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।